उदाहरण 18, दी गई आकृति में P, Q तथा R एक वृत्त के बाह्य बिंदु है जिसका केंद्र O है। स्पर्श रेखा PA, QB तथा RC की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का परिमाप ज्ञात कीजिए। हल, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए PC बराबर PA बराबर 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग किया है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए PC बराबर PA बराबर 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम QA बराबर QB बराबर 4 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है हमारे पास, ये हो गया। और पुनः फिर हमने RB बराबर RC बराबर इसका मान 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हमने RB बराबर RC का मान लिया। अब कहीं हम देखते हैं कि PQ की जो लंबाई है, PQ की जो लंबाई है त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई को हम लिख सकते हैं PA धन AQ। अब कहीं हम PQ की जगह PQ लिखते हैं और PA का मान जो है हम देखते हैं कि PA का मान 3 सेंटीमीटर हमने लिखा है ऊपर में, तो 3 धन, वैसे ही AQ का मान 4 सेंटीमीटर है तो 3 धन 4 बराबर 7 सेंटीमीटर, इस तरह से 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम QR का मान निकालने के लिए QB धन QR भुजा जो है उस भुजा को हम तोड़ के लिख सकते हैं QB धन BR, और QR बराबर QB जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का है लंबाई और BR की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की है, इस तरह से ये 9 सेंटीमीटर QR त्रिभुज की भुजा QR की लंबाई 9 सेंटीमीटर हुई। उसी तरह से PR भुजा जो है वो उसको हम तोड़ के PC धन भुजा PC धन रेखाखंड रेखाखंड PC धन रेखाखंड CR लिख सकते हैं, या PR जो है त्रिभुज की जो भुजा PR है उसको हम लिख सकते हैं PC रेखाखंड की लंबाई 3 है और CR रेखाखंड की लंबाई 5 है, 3 और 5 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने PR का मान ज्ञात किया। अतः त्रिभुज PQR की परिमाप बराबर PQ धन QR धन PR, इसमें PQ 7 सेंटीमीटर है, QR 9 सेंटीमीटर है और PR 8 सेंटीमीटर है, इस तरह से 7 धन 9 16, 16 और 8 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने दिए गए त्रिभुज PQR की परिमाप ज्ञात की जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।